जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान में अंगीठी के धुएं से दो घटनाओं में 5 जनों को मृत घोषित किया है। पहली घटना में चूरू जिले के रतनगढ़ में सर्दी से बचने के लिए कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए परिवार के 3 जनों को मृत घोषित किया है, जबकि बीकानेर जिले में ऐसी घटना के दौरान पति पत्नी को मृत घोषित किया गया है। इस घटना के दौरान रतनगढ़ सीआई सुभाष बिजरियाणा ने बताया कि रात को गोरीसर गांव निवासी अमरचंद प्रजापत की पत्नी सोना देवी 58 वर्षीय, बहू गायत्री देवी 36 वर्षीय, पति राजकुमार, पोती तेजस्वी 3 वर्षीय और 3 महीने का पोता खुशीलाल एक कमरे में सो रहे थे। सास बहू ने कमरे में सिगड़ी जला रखी थी और सोमवार सुबह करीब 8 बजे तक गेट नहीं खोला तो अमरचंद खिड़की तोड़कर अंदर गया तो तीनों मृत मिले हैं, जबकि उसका पोता खुशीलाल रो रहा था, जिसे पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया। वहीं दूसरी घटना में बीकानेर के बिछवाल थाना क्षेत्र में पति पत्नी को मृत घोषित किया गया है। दोनों कोच बिहार के रहने वाले थे। यहां करनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि अनिल 40 वर्षीय और पूर्णिया 36 वर्षीय रात को कमरे में सिगड़ी जलाकर सो रहे थे। इसी दौरान शुरुआती जांच में सामने आया कि रात को सिगड़ी से निकले धुएं के कारण कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। इसी गैस के कारण दम घुटने लग जाता है और इसी दौरान ही इन दोनों घटनाओं में सास बहू, पोता पोती और पति पत्नी को मृत घोषित किया गया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।